हेलो एंड वेलकम टू कार डिलाइट। ये है फोर्ड इको स्पोर्ट का ट्रेंड मॉडल और आज हम इस वीडियो में करेंगे इसका रिव्यू। साथ में देखेंगे कि ट्रेंड मॉडल एंड ट्रेंड प्लस मॉडल में क्या फीचर डिफरेंस है, क्या प्राइस डिफरेंस है और दोनों में से कौन सा मॉडल मोस्ट वैल्यू फॉर मनी रहेगा। तो अभी आप देख रहे हैं फोर्ड इको स्पोर्ट का ट्रेंड मॉडल की फ्रंट लुक। फ्रंट में आपको हेलोजन क्वाड बीम हेडलैम्प्स दिए गए हैं। इसमें आपको फॉलो मी होम एंड लीड मी टू द व्हीकल का फंक्शन मिलता है। फॉग लैंप इस वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है। फॉग लैंप की हाउसिंग में दिए गए हैं टर्न इंडिकेटर्स एंड साथ में जो फ्रंट ग्रिल है वो आपको मिलती है सिल्वर कलर की एंड स्कर्फ प्लेट्स दी गई हैं ब्लैक कलर की एंड ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है 200 mm की। साथ में 15 इंचेस के टायर्स दिए गए हैं व्हील कवर्स के साथ एंड टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं ORVM पे एंड इसके साथ टोटल 7 कलर ऑप्शन दिए गए हैं जो हैं ब्लैक, सिल्वर, वाइट, ग्रे, रेड। रेड अभी आप देख रहे हैं, साथ में ब्लू मिलता है एंड कैनियम रिच कलर भी दिया गया है। एंड इसके साथ बात करी जाए वारंटी की तो फोर्ड अपनी इको स्पोर्ट भी ऑफर करती है 2 ईयर्स और 1 lakh kilometers की वारंटी विच एवर इज अर्लियर। एंड ऑल्सो दो इंजन ऑप्शन की चॉइस दी गई है। पहला है 1.5 लीटर फोर सिलेंडर डीजल इंजन, पावर है 100 PS की, टॉर्क मिलता है 205 Nm का। ये अवेलेबल है सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स के साथ और इसकी माइलेज रहेगी 23 kmpl। इसके साथ दूसरा इंजन है 1.5 लीटर थ्री सिलेंडर पेट्रोल ड्रैगन इंजन, पावर 123 PS की, टॉर्क मिलता है 150 Nm का और ये अवेलेबल है मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ। अगर आप लेते हैं मैनुअल तो उसकी माइलेज रहेगी 17 kmpl, ऑटोमेटिक लेते हैं तो 14.8 kmpl माइलेज रहेगी। एंड फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी गई है 52 लीटर्स की। साथ में ट्रेंड मॉडल अवेलेबल है पेट्रोल एंड डीजल दोनों में ही। पेट्रोल में सिर्फ ये मैनुअल गियरबॉक्स में अवेलेबल है, ऑटोमेटिक का ऑप्शन इस मॉडल में नहीं मिलता। एंड प्राइस की बात करी जाए तो पेट्रोल लेते हैं तो 8,36,000, डीजल लेते हैं तो 8,96,000 प्राइस रहेगा। एंड यहाँ सी पिलर पे दिया गया है ग्लास। इसके साथ रूफ पे आपको इस मॉडल में रूफ रिल्स नहीं मिलेंगी लेकिन यहाँ पे एंटीना दिया गया है। एंड बात करी जाए इस मॉडल के रियर प्रोफाइल की तो कुछ ऐसी आपको लुक मिलेगी रियर प्रोफाइल की। एंड साथ में यहाँ पे दी गई है मॉडल की बैजिंग जो है ट्रेंड। एंड साथ में TDCI यानी डीजल इंजन पेट्रोल लेंगे तो TIVCT की बैजिंग मिलेगी। साथ में जो स्पेयर व्हील दिया गया है वो टेल गेट पे माउंटेड दिया गया है। साथ में स्पेयर व्हील पे आपको कवर भी मिलता है एंड यहाँ पे दिया गया है रियर वाइपर वॉशर के साथ एंड रियर में आपको डिफॉगर भी मिलेगा। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स मिलेंगी, रियर में ड्रम ब्रेक्स दी गई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेल गेट ओपनिंग दी गई है। यहाँ पे अंदर बटन है, इसको प्रेस करेंगे तो बूट आपका ओपन हो जाएगा एंड जो बूट है उसकी काफ़ी वाइड ओपनिंग दी गई है तो आपके हैवी एंड बिग लगेजेस इजीली अकोमोडेट हो जाएंगे अंदर। साथ में इस वेरिएंट में रियर में पार्सल ट्रे या पार्सल शेल्फ नहीं मिलता लेकिन यहाँ पे आपको शॉपिंग हुक्स एंड ग्रॉसरी हुक्स दिए गए हैं। एक राइट साइड मिलेगा एंड एक लेफ्ट साइड दिया गया है। इसके साथ जो टूल किट मिलती है वो इधर दी गई है, इसको पोल करेंगे तो यहाँ पे आपको टूल किट मिल जाएगी। एंड टोटल बूट स्पेस दी गई है 352 लीटर्स की, सीट डाउन कर देंगे तो वो हो जाएगी 705 लीटर्स की। एंड अब बात करते हैं स्मॉल के सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स की। तो अगर आप लेते हैं ट्रेंड मॉडल तो वहाँ पे मिलता है ABS विद EBD, अप्रोच लाइट एंड होम सेफ हेडलैम्प यानी फॉलो मी होम एंड लीड मी टू व्हीकल, क्रैश अनलॉकिंग सिस्टम, डोर अजार वार्निंग, ड्राइवर सीट बेल्ट रिमाइंडर, एमरजेंसी ब्रेक लाइट फ्लैशिंग, इंजन इमोबिलाइजर, डुअल फ्रंट एयरबैग्स मिल जाते हैं। साथ में फ्रंट सीट बेल्ट्स में आपको प्रीटेंशन मिलते हैं, फोर्स लिमिटर भी मिलेंगे। इसके साथ पावर डोर लॉक्स मिलेंगे, रियर में चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स दिए गए हैं। साथ में रियर में वाइपर वॉशर के साथ मिलेगा एंड रियर डिफॉगर भी दिया गया है। साथ में सेफ्टी के लिए आपको सेफ क्लच स्टार्ट भी मिलता है। तो ये सेकेंड वेरिएंट काफ़ी सारे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स के साथ इक्विप्ड है। एंड अब बात करते हैं सस्पेंशन सेटअप की तो फ्रंट में मैक प्योरसन स्ट्रट इंडिपेंडेंट सस्पेंशन दिया गया है कॉइल स्प्रिंग के साथ एंड रियर में सेमी इंडिपेंडेंट ट्विस्ट बीम सस्पेंशन मिलता है। वेट की बात करी जाए तो अगर आप पेट्रोल में ये मॉडल लेते हैं तो 1225 kg वेट रहेगा एंड डीजल में लेते हैं तो 1268 kg गाड़ी का वेट रहेगा जो है कर्व वेट। एंड अब चलते हैं गाड़ी की फ्रंट सीट्स पे और देखते हैं इंटीरियर्स में हमें क्या फीचर्स ऑफर करे गए हैं इस मॉडल में। एंड ये है ड्राइवर साइड डोर। इंटीरियर्स की बात करी जाए तो ऑल ब्लैक इंटीरियर मिलते हैं, साथ में सिल्वर इंसर्ट्स दिए गए हैं, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलेगी एंड यहाँ पे विंडो एरिया काफ़ी लार्ज दिया गया है। साथ में ये है ड्राइवर साइड डोर, यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक मिलेगा एंड ऑल फोर पावर विंडोज़ दी गई है। साथ में ORVM मिलते हैं, इलेक्ट्रिकली इंटरनली एडजस्टेबल फोल्डेबल नहीं मिलते। ये पावर डोर लॉक का बटन दिया गया है, सेंट्रल लॉकिंग का बटन। इसके साथ यहाँ पे आपको मिलेंगे बॉटल होल्डर, साथ में मैप पॉकेट दी गई हैं। इसके साथ जो डोर हैंडल है उसके पास आपको ट्विटर्स भी मिलते हैं, फ्रंट टू ट्विटर्स दिए गए हैं। इसके साथ सिल्वर कलर का इनसाइड डोर हैंडल मिलेगा, क्रोम में नहीं मिलेगा इस मॉडल में। एंड स्टेयरिंग व्हील के राइट साइड मिलते हैं हेडलैम्प के कंट्रोल, साथ में हेडलैम्प की बीम एडजस्टमेंट के कंट्रोल्स भी उधर ही दिए गए हैं। फॉग लैंप इस मॉडल में नहीं मिलती। एंड ट्रेंड मॉडल में जो ड्राइवर साइड सीट दी गई है उसकी हाइट नॉन एडजस्टेबल दी गई है यानी हमें कोई भी लेवर नहीं मिलता हाइट को एडजस्ट करने के लिए, फिक्स्ड आपको सीट मिलती है। एंड इसके साथ ये है गाड़ी का 3-स्पोक स्टेयरिंग व्हील, सिल्वर इंसर्ट्स मिलते हैं एंड साथ में दिया गया है टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट का फंक्शन।
तो यहाँ पे लिवर पुल करके हम एडजस्ट कर सकते हैं स्टेयरिंग व्हील को। साथ में लेफ्ट साइड दिए गए हैं MID कंट्रोल्स यानी मल्टी इन्फॉर्मेशन ड्राइवर डिस्प्ले के कंट्रोल्स, एंड राइट साइड मिलते हैं ऑडियो कंट्रोल्स एंड ब्लूटूथ कंट्रोल्स। साथ में जो MID स्क्रीन दी गई है वो शो करती है डिस्टेंस टू MT, एवरेज एंड इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, एंड साथ में आउटसाइड टेम्परेचर भी डिस्प्ले होता है एंड गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी डिस्प्ले होता है। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपको डिस्प्ले मिलता है। इसके साथ काफ़ी सारी गाड़ी में स्टोरेज स्पेसेस दी गई है, जैसे यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर्स मिलते हैं एंड उसके आगे भी कई सारी और स्टोरेज स्पेसेस दी गई है, जैसे यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे भी आपको कप होल्डर्स मिलते हैं एंड जो हैंड ब्रेक है उसके ठीक नीचे भी कुछ स्टोरेज एरिया दिया गया है। एंड ऑल्सो यहाँ पे गियर लिवर के ठीक आगे दिया गया है एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, एंड जो गियर लिवर की नॉब है वो आपको मिलती है पियानो ब्लैक फिनिश में। साथ में यहाँ पे दो USB पोर्ट्स दिए गए हैं एल्यूमिनेटेड। एंड बात करी जाए ट्रेंड मॉडल की 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 तो कुछ ऐसी आपको की फॉर्म मिलती है, तो जैक नाइफ फोल्ड की दी गई है। दो बटन्स मिलते हैं जो हैं लॉक एंड अनलॉक, एंड इसके साथ यहाँ पे हम की को इंसर्ट करेंगे। एंड जैसे हम गाड़ी को ऑन करते हैं तो उसी टाइम हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी ग्लो करता है, जो कि डे लाइट में भी ऐसे ही रहेगा। इसके साथ यहाँ पे इस मॉडल में हमको मिलता है फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम। एंड ट्रेंड मॉडल में जो म्यूजिक सिस्टम मिलता है वो है ये 6.5 इंचेस का कैपेसिटिव टच इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम। चार स्पीकर्स मिलते हैं एंड टू फ्रंट ट्विटर्स मिलते हैं। ये सपोर्ट करता है ऑक्स को, रेडियो को, ब्लूटूथ को, साथ में एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो का भी सपोर्ट मिलता है। साथ में सिंक 3 वॉइस कमांड टेक्नोलॉजी मिलती है फोर्ड की, एंड इसके साथ आपको दो USB पोर्ट्स मिलेंगे एल्यूमिनेटेड। एंड यहाँ पे आपको कई सारे फंक्शंस दिए गए हैं जो आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। टच काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है एंड इसमें वैले पार्किंग का सिस्टम भी मिलता है, जिससे हम एक्टिवेट करके अपने वैले को देते हैं तो वहाँ पे वो गाड़ी के टच स्क्रीन सिस्टम को मिसयूज़ नहीं कर पाएगा। एंड 6.5 इंचेस के टच स्क्रीन सिस्टम के ठीक पीछे आपको मिलता है कुछ स्टोरेज एरिया, वहाँ पे दिया गया एक सब वूफर, एंड इसके साथ कई सारे और स्टोरेज एरिया दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स मिलता है, काफ़ी लार्ज एंड डीप स्टोरेज दी गई है। एंड इसके बाद फोर्ड ने क्लेम करा कि हमने 13 न्यू स्टोरेज स्पेसेस अपनी इकोस्पोर्ट में ऐड करी हैं। यहाँ पे आपको टैबलेट ट्रे एंड लैपटॉप ट्रे भी मिलेगी। एंड ऑल्सो फ्रंट पैसेंजर्स के लिए सेंटर में दिया गया है कैबिन लैम्प, जो कि थिएटर डिमिंग फंक्शन के साथ दिया गया, एक मिलेगा फ्रंट में और एक दिया गया रियर में। एंड इसके साथ को ड्राइवर साइड सनशेड पे आपको मिलता है वैनिटी मिरर, लाइटनिंग दी गई इस मॉडल में। एंड इसके साथ जो ड्राइवर साइड सनशेड है वहाँ पे आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा। एंड ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ओवरऑल इंटीरियर आप देख सकते हैं, काफ़ी स्टाइलिश बनाया गया है। सिल्वर इंसर्ट्स मिलते हैं, ऑल ब्लैक स्पोर्टी इंटीरियर दिया गया है। यहाँ पे भी ड्राइवर साइड भी हार्ड प्लास्टिक मिलेगा। एंड इसके बाद अब हम चलते हैं गाड़ी की रियर सीट्स पे और देखते हैं कि वहाँ पे क्या फीचर्स ऑफर करे गए हैं। एंड ये ट्रेंड मॉडल का रियर डोर, यहाँ पे सिल्वर इंसर्ट्स दिए गए हैं, साथ में बॉटल होल्डर्स भी मिलेंगे रियर डोर्स पे, एंड डोर माउंटेड स्पीकर्स दिए गए हैं। साथ में ये है गाड़ी की रियर सीट्स, यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दी गई है, अपने हाइट के अकॉर्डिंग हेडरेस्ट को हम एडजस्ट कर सकते हैं। एंड इकोस्पोर्ट आती है सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV के सेगमेंट में, उस हिसाब से जो स्पेस और कंफर्ट ऑफर करती है वो बहुत ही अच्छा है। ये है गाड़ी के फ्रंट डैशबोर्ड के लुक, एंड इसके साथ रियर में भी आपको एक कैबिन लैम्प मिलेगा, यहाँ पे दिया गया काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस है इसकी। एंड इसके साथ जो ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं वो फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स हैं। साथ में इसके अंदर कोट हुक्स भी मिलेंगे, एक लेफ्ट साइड कोट हुक मिलेगा एंड एक राइट साइड कोट हुक दिया गया है। एंड इसका जो ग्लास एरिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा लार्ज मिलता है, सी पिलर पे भी ग्लास दिया गया है। तो ओवरऑल कैबिन ऑल ब्लैक होने के बाद भी आपको काफ़ी रूमी फील देता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट वेरिएंट की, तो ट्रेंड मॉडल के ऊपर आता है ट्रेंड प्लस मॉडल। एंड अगर हम लेते हैं ट्रेंड प्लस वेरिएंट तो वहाँ पे जो एडिशनल हमें फीचर्स मिल जाते हैं वो है ड्राइवर सीट की हाइट एडजस्टेबल आ जाएगी, फ्रंट में आर्मरेस्ट मिल जाएगी, पावर फोल्डेबल ORVM मिलेंगे, साथ में पडल लैम्प भी ORVM पे मिल जाएंगे, रियर में हमें पार्सल ट्रे मिलेगी, रूफ रेल्स मिलेंगी हमें ब्लैक कलर की, साथ में लगेज एरिया यानी बूट स्पेस में हमें लैम्प मिल जाएगा, फ्रंट में हमें फॉग लैम्प्स मिल जाएंगे एंड रियर में हमें पार्किंग सेंसर्स भी मिलेंगे। एंड इस मॉडल में हमें 15 इंचेस के टायर मिलते थे, एंड हम अगर लेते हैं ट्रेंड प्लस मॉडल तो वहाँ पे हमें 16 इंचेस के टायर्स मिल जाएंगे व्हील कवर्स के साथ। एंड कैबिन की लाइट को एडजस्ट करने के लिए IP एल्यूमिनेशन का स्विच मिल जाएगा एंड सनशेड पे मिलेगा वैनिटी मिरर के साथ लाइट। तो ये सारे एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं अगर हम ट्रेंड मॉडल से ट्रेंड प्लस वेरिएंट में जाते हैं। साथ में प्राइस डिफरेंस की बात करी जाए तो ये अवेलेबल है पेट्रोल ऑटोमेटिक में एंड डीजल में, पेट्रोल मैनुअल में ट्रेंड प्लस वेरिएंट अवेलेबल नहीं है। एंड डिफरेंस जो रहेगा वो अगर पेट्रोल ऑटोमेटिक आप लेते हैं तो 119,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे एंड डीजल में देने पड़ेंगे सिर्फ 40,000 एक्स्ट्रा। एंड ऑटोमेटिक में 119,000 इसलिए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे क्योंकि वहाँ पे आपको कई सारे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स एडिशनल मिल जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, हिल लॉन्च असिस्ट एंड एमरजेंसी ब्रेक असिस्ट। तो ये सारे आपको सेफ्टी फीचर्स ऑटोमेटिक मॉडल में एक्सक्लूसिवली फालतू मिल जाते हैं, इसलिए उसका प्राइस एक्स्ट्रा है।
एंड ये था फॉर्ड इको स्पोर्ट के ट्रेंड मॉडल का रिव्यू एंड ट्रेंड प्लस का कंपैरिजन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।